चार एलिमेंट्स वेकेशन पर जाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने लंबे समय से पैसे बचा रखे हैं, पर अभी भी सिर्फ एक होटल रूम ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। एक रूम, चार लड़कियाँ, ये कैसे हो पाएगा? उनको कुछ अलग करना पड़ेगा। ओह, और रूम बहुत छोटा है। उनका वीकेंड इस तरह जाएगा, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। चलो बेड्स के नीचे रूम बनाना शुरू करें। एयर, अर्थ, फायर, वाटर, चलो शुरू करें। अर्थ इन भारी पैलेट्स को नहीं ले जा पाएगी, पर एयर बहुत ताकतवर है। अगर आप उसे गुस्सा दिला दो तो वो पूरे टाउन को उड़ा सकती है। तुमने अभी तक ये भी नहीं देखा कि जब वो किस करती है तो क्या होता है। दो पैलेट्स और एक बेड, ये तो बच्चों का खेल है। कोई जादू नहीं, सिर्फ असली ताकत। फ्रेम तैयार हो चुका है, अब इसे सजा सकते हैं। कोई क्लाउड्स पर क्यों नहीं सोना चाहेगा? अर्थ, बिल्कुल, उसे हरी घास ज्यादा पसंद है। ये बहुत मजेदार है। ओह, ये क्या कर रहे हैं? फायर ने लगभग फ्रेम तैयार कर लिया है, पर उसके पास स्क्रूज खत्म हो गए। जब आप हॉट गर्ल हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मेटल को जैसा चाहो वैसा पिघला सकते हो। ये काफी अच्छा हुआ, पर फायर को नहीं पता था कि उसे उन्हें स्क्रू करना था, हैमर से मारना नहीं था। उसे स्टेन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। इससे पहले रहने वाले लोग छोटे फर बेबीज की तरह गंदगी फैला कर गए हैं। वाटर इसमें मदद कर सकती है। उप्स, कुछ बूंदों ने फायर को हिट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेस्टी। क्यों ना बेड को टॉर्चेस के साथ सजाया जाए। वाटर इनको नहीं निकाल पाने की वजह से गुस्सा हो जाएगी। जरूर चीजें बिगड़ सकती हैं। अर्थ को प्लांट्स पसंद है, पर वो अपने पसंदीदा बॉन्साई को खड़ा नहीं रख पा रही है। तो चलो प्लांट को दीवार से जोड़ा जाए। उम्मीद है कि पूरे रूम को जंगल में ना बदल दें। ओह, उसने अपना काम कर लिया। इंस्टाग्राम के लिए पिक ली जाए। पर जब तक अर्थ अपना फोन ला रही थी, एक हैप्पी कपल ने ट्री पर अपना निशान बना दिया। बदमाशों को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार हमेशा नहीं रहेगा, पर प्लैनेट हमेशा रहेगा। वाटर रूम को बलून्स के साथ सजा रही है। अब पार्टी हो सकती है। ये एक अंडरवाटर किंगडम की तरह लग रहा है। यहाँ तक कि उसकी प्रैंकस्टर रूममेट भी इसे बिगाड़ नहीं सकती है। ये काम नहीं करने वाला है। वाटर के पास अपने रूमी के लिए भी सरप्राइज है। मजे करो। वाटर दीवार पर पेंटिंग कर रही है। वो आर्ट स्कूल गई थी, आपको पता होगा, पर एक लड़की ने उसका ब्रश चुरा लिया। तीन लोगों पर शक किया जा सकता है। कमेंट करके बताएं ये किसने चुराया है और क्यों। एयर ने अपने कैनोपी में सब कुछ उलझा दिया है। हवा से सब कुछ आसान हो जाएगा। अब सब कुछ सुंदर और हवादार हो चुका है। अर्थ खुश नहीं है, उसका हफ्ता अच्छा नहीं गया। उसके दोस्त सन से प्यार करते हैं। एयर को पता है कैसे मदद करनी चाहिए। वो क्लाउड्स को पीछे करेगी। बेहतरीन। क्या दीवार पर आग लग गई है? एक्सटिंग्विशर लेके आओ। नहीं, ये तो कोई अपना रूम सजा रही है। उसने एक बेहतरीन शैंडलियर बनाया है। हम सन के इतने करीब नहीं आए हैं। वाटर को लगा कि आग असली है। उसके डैड एक फायर फाइटर है, तो उसे भी ये काम अच्छे से आता है। फायर ने डेकोरेशन में कुछ ज्यादा ही जान डाल दी। जल्दी लड़कों का एक स्काउट कैंप फायर में मजे लेने के लिए आएगा और मून निकलेगा, जिससे रात के वक्त का माहौल बना रहेगा। इस फायर की वजह से वाटर भाप बनकर उड़ने लगी है। उसे बहुत नुकसान हो रहा है और अब वो यहाँ से जा चुकी है। फायर को लगा कि उसकी फ्रेंड फ्रॉग में बदल चुकी है। ओह, तुम्हें इसे किस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पहले किस की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अर्थ को और हरियाली चाहिए। छोटे से बीच से एक जिंदगी को तैयार होते देखना कितना कमाल का होता है। जल्द ही हमें बर्ड्स, बग्स और मंकी देखने को मिल सकते हैं।
लीव बहुत लंबी हो चुकी है। क्या ये सोती हुई रूममेट तक पहुंच सकते हैं? ब्रांचेस पर नियॉन लाइट एकदम नेचुरल लग रही है, पर ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता है। अर्थ को गुस्सा आ रहा है, उसके प्लान्स फेल हो रहे हैं, पर एक अच्छी फ्रेंड हमेशा मदद करेगी। उसके पास पहले ही विंड जनरेटर है, प्लांट्स उगने लगे हैं और अर्थ फिर से बहुत खुश है। वाटर कुछ अलग करने वाली है, उसे काफी मेहनत करनी होगी कुछ कूल जेलीफिश बनाने के लिए। वो उसके बॉडीगार्ड्स बन सकते हैं। तुम्हारे लिए कोई कैंची नहीं, पर आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुद में एक जनरेटर है, जैसे कि लाइटिंग और फायर एक साथ हो रही हो। फायर को हार कर बुरा लग रहा है, उसने गुस्से में अपना पसंदीदा पिलो खराब कर दिया है। उसे अब नया पिलो बनाना पड़ेगा। एक साथ दो कैसे रहेंगे, ये काफी गर्म है। वाटर रोस्टिंग के लिए कुछ मार्शमेलोज को लेकर आई है, ये बहुत गलत बात है। फायर को मार्शमेलोज से नफरत है और उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर अगर उसने रोस्टिंग शुरू की है तो वो उसे खत्म भी कर सकती है। साथ ही ये स्वादिष्ट है। फायर का क्लाउड उड़ने वाला था, पर अलार्म क्लॉक ने इसे रोक लिया। वो सपने में अपने पेट यूनिकॉर्न को घुमा रही है। अर्थ भी सोना चाहती है, पर एयर अपने पेट को शांत नहीं करा रही है और अब वो सच में उसके ऊपर गिर गई। हाँ, लगता है काफी चोट लगी होगी, काफी ऊंचाई से गिरी हो। अर्थ को पता है एयर को कैसे सुरक्षित रखना है, बस उसे वाइन से बांध लो और यूनिकॉर्न को खाना खिला दे। एयर की लाइट खत्म होती रहती है, हवा वाला पार्ट जनरेटर स्टेबल नहीं है। अर्थ फिर से सामान का इस्तेमाल करने और रिसाइकलिंग करने में विश्वास रहती है। वो कभी भी कुछ वेस्ट नहीं करती है। पुराने बल्ब्स को गार्डन में बदले, ये बहुत मजेदार है। आज बारिश नहीं होने वाली थी, तो बारिश क्यों हो रही है? ये लैंप रो रहा है। वाटर अब अपना मिरर सजा रही है। कुछ शेल्स, सैंड और एक पायरेट। ओह, ये पायरेट नहीं है, ये तो लिटिल मरमेड का एक्टर है। उसका करियर अब खत्म हो चुका है, पर खूबसूरती को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो एक तरह से पानी का खजाना है। एयर को एक कूल बलून मिला, वो इससे क्या कर सकती है? वो इसे पेंट करके लाइट फिक्स्चर की तरह इस्तेमाल कर सकती है। पर ये बार बार उड़ते रहता है, वो इसमें क्या रख सकती है? अर्थ इसका इस्तेमाल कुछ प्लांट करने के लिए करने वाली थी, पर एयर को इसकी ज्यादा जरूरत है। सॉइल वाले बैग से बलून नीचे रहेगा ताकि एयर पढ़ सके। फायर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ रही थी, वो एक ड्रैगन लेना चाहती है। ऐसा करना मुश्किल होगा, पर फायर को भी मुश्किल काम पसंद है। ये रहा उसका बेबी, वो बिल्कुल उसके एक्स की तरह दिख रहा है, वैसे ही मुस्कुराहट। उप्स, और उसके फ्रेंड को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसे ठीक कर दूंगी, मैं उसे सिखाऊंगी कि प्यार कैसे करना है। अर्थ की आवाज ने फिर से एयर को जगा दिया। वो बहुत सेंसिटिव है, इसका फ्लावर कमजोर हो गया है। ये उसका फ्रेंड है और वो मरने वाला है, बहुत बुरी बात है। एयर अगर अपने फ्रेंड की मदद नहीं करेगी तो वो सो नहीं पाएगी। अपने आंसुओं को बचा लो। एयर को पता है प्लांट की मदद कैसे करनी है। एक छोटा रेन क्लाउड अर्थ को फिर से उम्मीद देने के लिए काफी है। ये बहुत प्यारा लग रहा है और उसे ये और चाहिए। अब अर्थ खुश है और एयर अपने पेट के बारे में सपने देख सकती है। रुक जाओ, अब अर्थ जोर से सेलिब्रेट कर रही है। कितने बेकार रूममेट है, कम से कम वो अपना म्यूजिक तो नहीं बजा रही है। उन्होंने रूम बनाना खत्म कर लिया है, अब लड़की आराम कर सकती है ना? पर अब वो इस बात पर झगड़ा कर रही है कि किसका रूम बेहतर है। ये एक लड़ाई है, कितना बड़ा तूफान है, ये इस तरह से काम नहीं हो सकता। लड़कियां वोट करने वाली हैं, हर एक को सबसे अच्छे रूम के लिए वोट करना होगा। अर्थ को लगता है उसका रूम बेस्ट है, इन सभी को अपने बारे में एक जैसा ही लगता है।
क्या आप इनकी मदद करेंगे? कमेंट्स करके बताएं आपको कौन सा रूम सबसे ज्यादा पसंद आया। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। चलो इसे बनाना शुरू करें। वाह, लगता है वो बहुत खुश है। हर टेंट से पता चलना चाहिए कि उसके मालिक का एलिमेंट कौन सा है। अर्थ को प्लांट्स चाहिए, इसलिए वो गार्डनिंग कर रही है। पर फोरकास्ट के हिसाब से बारिश नहीं होने वाली है। क्या डांस करने में मदद मिल सकती है? क्या वाटर को दुख भरी कहानी सुनाई जाए? ये बहुत इमोशनल है और आसानी से रो जाता है। अर्थ को इसी की जरूरत थी। रोना काफी हो गया, अब तुम खुश हो सकते हो। मेरे टेंट में बहुत सारे प्यारे फ्लावर्स हैं। फायर अपने टेंट को गर्म और आरामदायक बना रही है। लकड़ी को बाहर रखना बहुत आम बात है। कुछ सोचो। ओह नहीं, रुक जाओ। सिर्फ हवा इन फ्लेम्स को शांत कर सकती है और उसे पता है फायर को कैसे बुझाना है। अब ये बाहर से भी काफी बेहतर दिख रहा है। विंड सोच रहा है कि अपने टेंट को कैसे सजाया जाए। उसका दोस्त सनी हमेशा उसकी मदद करता है, पर क्लाउड्स बीच में व्यू को रोक रहे हैं। ये काम में आ सकते हैं। ये बेहतर है। अब सनी दिख रहा है और टेंट अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सनी और शुक्रिया विंड। हालांकि वो कभी झगड़ा कर लेते हैं, पर फिर भी वो अच्छे दोस्त हैं। विंड का टेंट अच्छा बन चुका है। अब वाटर के स्टाइल से सजावट की जाएगी। उसे भी प्लांट्स पसंद है। सीवीड से उसे अच्छा महसूस होगा। फायर को ठंड लग रही है, उसे गर्म फ्लोर की जरूरत है। हॉट पोल्स बढ़िया रहेंगे। ओह, यहाँ पर गर्मी हो रही है। आप इस फ्लोर पर एग फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत सारे काम में आ सकता है। अर्थ का पूरा फ्लोर गंदा हो गया। वो इसे साफ नहीं करना चाहती है। ये गंदगी अब डेकोर का हिस्सा है। सिर्फ सीड्स और वाटर डालें और जल्दी से गंदगी ग्रास में बदल जाएगी। ये लॉन गोल्फिंग के लिए अच्छी है। कहीं और जाकर गोल्फ खेलो। एक इन्फ्लेटेबल फ्लावर को गोल्फ क्लब की तरह रख सकते हैं। वाटर ने अपने टेंट के सामने एक बीच बनाया है। ये विंड को भी पसंद आया। उसे भी कैंची चाहिए। ओ नहीं, छींको मत। बढ़िया, अब सारा सैंड जा चुका है। विंड बहुत परेशान कर देता है। इसने सब कुछ खराब कर दिया। ये कहाँ चला गया? विंड के टेंट वाला फ्लोर बिल्कुल भी विंडी नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं। बलून्स का इस्तेमाल करके उसका काम हो गया। पर बलून्स उड़ गए। ये सबसे अच्छा प्लान नहीं था, पर इन्फ्लेटेबल मैट्रेस काम आ सकती है। अब लग रहा है वो तैर रहा है। उसे बहुत प्यारे सपने आने वाले हैं। फायर के टेंट को लाइटिंग की जरूरत है। स्ट्रिंग लाइट्स अच्छी रहेंगी, पर इनकी वजह से बग्स आ सकते हैं। अच्छी बात है विंड यहाँ था और उसने मदद की। विंडो को बंद करो ताकि बग्स अंदर ना आ सके। ये आसान है। अब फायर घर पर आराम से रह सकती है और विंड अपना काम कर सकता है। अर्थ अपने टेंट में लगाने के लिए सामान देख रही है। एक पुरानी फोटो एल्बम। इन खुशी के लम्बों से सजावट अच्छी हो जाएगी। उसने फोटोज को ब्रांचेस पर लटका दिया। ठीक है, रुक जाओ। वाटर ने अर्थ के लेबर से फ्रूट्स निकाल दिए और अब वो हंस रहा है। ये तुम्हें कैसा लगा वाटर? विंड को चिंता हो रही है। फ्रिज में क्या है? लाइट? कोई बात नहीं, पर वो अंधेरे में खाना कैसे ढूंढेंगे? उसे कुछ अलग करना पड़ेगा। वो एक आर्टिस्ट है। उसने एक आम लाइट को बलून में बदल दिया। हे, ये अच्छा रहा। अब इसके टेंट में अच्छी लाइटिंग है।
वाटर कैटलॉग से फर्नीचर पसंद कर रहा है, पर वो इसमें से किसी को भी नहीं खरीद पाएगा या कुछ भी नहीं। उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसे सब खुद ही बनाना पड़ेगा। मॉडलिंग के ऐसे बने सी स्टार्स और ग्लो इन द डार्क पेंट्स। बढ़िया, विंड अपने टेंट के साथ खुश है, इसलिए वो आराम कर सकता है। याद नहीं, वो खाना खाना भूल गया, लंच का वक्त हो गया, उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। उसके दोस्त ने वॉल्केनो पर मार्शमेलोज को रोस्ट किया, वाटर ने उसे ड्रिंक दिया, ताज़ा रेन वाटर, ये लो छोटा सा मिंट अर्थ की तरफ से, और बेहतरीन खाना तैयार है। दोस्ती और टेंट्स बेहतरीन होते हैं। चलो सभी टेंट्स को देखें और उन्हें स्कोर्स दिए जाएं। पर रुको, अर्थ कहाँ पर है? उसके पिक्चर्स बिखरी पड़ी है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक नोट है, अर्थ को किडनैप कर लिया है। ओ नहीं, क्या आप जानना चाहते हो वो कहाँ है? हमें कमेंट्स करके बताएं। मिस्टर डिलन, प्रिंसिपल पूरे दिन सामान गिराते रहते हैं। ये अजीब सा बॉक्स कौन सा है? बहुत सारी वार्निंग्स, ये अच्छा नहीं हुआ। उसने चारों एलिमेंट्स को अपने कॉलेज में छोड़ दिया। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।